अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मुतल्लिक, कोरोना केसेस, एयरपोर्ट, फ्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा और कुछ और जो कमेंट्स टॉप कमेंट्स हैं उनके जवाबात। 24 जनवरी 2022 और दिन है सोमवार का। पिछले 24 घंटों में 1647 कोरोना केस रिपोर्ट हुए और एक वफात हुई। इन राजून दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की बीमारी से, शर से, वबा से, फितने फसाद से और रंजिशों से बचाए रखे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। हमेशा सबके लिए दुआ करें और खुले दिल से करें। सोचने के ऊपर पाबंदी नहीं है और दुआ करने पे और अल्लाह ताला से मांगने पर कोई पाबंदी नहीं है। दिल खोल के मांगें और इतना मांगें कि आप बांटते फिरें। अच्छा जी, उसके बाद जितने भी दोस्त अब आपने कमेंट किया था वीज़ा सर्विस, देखिए कभी भी कुछ भी कोई तब्दीली होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़े बंद हो गए। वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई, सर्विस चल रही है, हर चीज़ ओके है। और उसके अलावा है फ्लाइट ऑपरेशन के वाले जितने भी दोस्त अहबाब ने कमेंट किया था उनको भी बताते चले कि फ्लाइट ऑपरेशन एज इट चल रहा है, किसी किस्म की तब्दीली का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यकम से बंद हो जाएगी, मार्च से हो जाएगी, ये है वो है, तो कोई खबर नहीं है किसी किस्म की। किसी भी खबर में, बात में, तंबाकू में कोई सच्चाई नहीं है। अगर कि होगा तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ अनाउंस करेंगी एंड वी विल शेयर द सेम। उसके बाद है कि तीसरी डोज़ के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के तीसरी डोज़ लगी हो ना लगी हो। देखिए, तीसरी डोज़ ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक लाजमी नहीं की, ना ही ट्रैवल के लिए, ना ही ओमान के अंदर, यानी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आवाम को जो है अवेयरनेस दी जा रही है या कह लें कि इन्फॉर्मेशन हर तरह से शेयर की जा रही है कि लाजमी लगवा लें अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों के लिए। और जो परसेप्शन है, जो हालात हैं, जो जैसे भी आपके सामने है, तो आने वाले दिनों में लाजमी हो जानी है, यानी हर किसी के लिए लाजमी हो जानी है। जिस तरह बाकी बहुत सारे मुल्कों में बूस्टर शॉट या कह लें कि जिसको थर्ड डोज भी के बोलते हैं, तो वो इधर भी लाजमी हो जाएगी। लेकिन जब होगी तो हम शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी खबरें चल रही हैं लगवाने की तो लाजमी कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।